लोडिंग करने, कॉलरी के अधिकारी, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मैनेज करने के नाम पर प्रति ट्रक 3,000 से लेकर 3,500 तक की वसूली की जा रही है। ये राशि किन लोगों को दी जा रही है, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया जाता। इस बात की पुष्टि करते हुए ट्रक ड्राइवर सेज मिराजुद्दीन ने बताया कि हर बार उनसे कोयला लोडिंग के लिए प्रति ट्रक 3,000 से 3,500 रुपए तक की राशि वसूली जाती है। ये राशि ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से वसूल की जाती है। यदि वे इस राशि को देने से इनकार करते हैं तो उन्हें टोकन नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी गाड़ी लोड नहीं हो पाती। मेरे पास दो गाड़ियां हैं, पिछले 2 साल से इस लाइन में हूं मैं, और लगातार भाड़ा कम किया जा रहा है और कॉलरी खर्चे के नाम से 3,500 रुपये वसूले जाते हैं। 3,500 किस बात का है? 3,500 पूरा सिस्टम है जो बना हुआ है, सिस्टम है ACCL और कई प्रकार के लोग हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा बोला जाता है इन ट्रांसपोर्टरों के द्वारा। और हमने जब भी इसका विरोध किया कि ये हम नहीं दे सकते, हमारा भाड़ा कम हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा खर्चा है, लगातार बोला गया तो रोड सेल बंद करवा देंगे, आपकी गाड़ियाँ नहीं लगेंगी। कई बार इसका हमने विरोध किया है, एक बार स्ट्राइक भी यहाँ पे किया था, लेकिन उसका भी कुछ हुआ नहीं। थोड़ा साफ साफ बताओ, आखिर वो पैसा किसको किसको जाता है? इनके बताने के हिसाब से पैसा यहाँ शासन प्रशासन के लोगों को बढ़ता है, CCL के लोगों को बढ़ता है, क्योंकि ये भी खुल के बताते नहीं, उसके नाम से कटते, तो अपन नाम नहीं बता सकते कि किनको देते हैं। इनका कहना कि हमको देना पड़ता है, अभी किनको देते हैं यहाँ के 4-5 ट्रांसपोर्टर ही बता सकते हैं। गाड़ी 14 चक्का जिसमें 28 से 30 टन कोयला जाता है, उसमें मतलब ये 3,000-3,500 रुपये अंदर बाहर करके मतलब लिया जाता है, उसको बिल्टी में एडवांस कर दिया जाता है। किस काम के नाम पे लेते हैं, क्या बोल के लेते हैं? वो बोलते हैं कि मतलब ये कॉलरी खर्चा है, ये हमको लगता ही, हमको देना पड़ता है सब यहाँ मैनेजमेंट को, तो यहाँ है तो ये, तो यही सब कहते हैं बस। कोई स्पष्ट कोई बताता नहीं है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। इस मामले में चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूतपूर्व सर्वश्रेष्ठ विधायक दीपक पटेल ने कहा कि चिनमिरी रोड सेल शुरू से ही भ्रष्टाचार का अड्डा है। पहले यहां कॉलरी के अधिकारियों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मैनेज करने के नाम पर प्रति टन 10 रुपए वसूल किया जाता था, जो अब बढ़कर प्रति टन 65 रुपया हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले के विस्तार से शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है।